हेक्टर अभी चीकू वो अभी ऊपर फोटो खींचने गए हैं। मैं भी अभी गेट के पास हूँ। वो कहाँ पे वो तो गाइस ये है ट्रैवल बच्ची को और ये अभी फोटो शूट कर रहे हैं। वो रहा सनसेट और ये रहे है फोटो शूट कर रहे हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओखा टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस। सो क्या होता है हैप्पीनेस, कैन यू टेल मी स्वस्तिक? सो हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है? उसके लिए अपने को अपन खुद इंटरनली अपना जो सोल है वो सोल सेटिस्फाई होना चाहिए। सो ये होता है बेसिकली मेजर जो डेफिनेट मेजॉरिटी जो चीज़ होती है वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज़ करोगे तो उससे आप खुश रहोगे, आपका इंटरनल सॉल खुश रहेगा। और एनीवेज अगर ये दो चीज़ें खुश रहेगी तो फिर अपना जो जीने का मकसद है वो फुलफिल रहेगा। तो चलो इस बात पे अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग एक्चुअली निकलना है मेरे फ्रेंड का जो मतलब निखिल का जो लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट मंथ में जो बाइक बुक किया था वो कैंसिल किया है, तो वो कैंसिल करना है और उसकी जगह पे हम लोग को दूसरा गाड़ी बुक करना है। द रीज़न बिहाइंड मैनी बट उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो मेन पर्पस है गाड़ी का वो हम लोग बुक करेंगे। सो मिलते हैं अभी अपन डायरेक्टली ऑन फील्ड। चलो सी यू ऑल, बाय बाय। सो गाइज आज हम लोग आए हैं एक ऐसी जगह पर, आप अगर सरफेस देखोगे तो कुछ अलग होगा सरफेस यहाँ का, बिकॉज आज का कुछ प्लान अलग है, बिकॉज हम लोग आए एक सरप्राइज डेस्टिनेशन पे। सो लास्ट मंथ जो हम लोग ने एक चीज़ मतलब निखिल के लिए बेसिकली सरप्राइज़ है, तो हम लोग लास्ट मंथ आए थे एक जगह पे जहाँ पे हम लोग ने एक सरप्राइज़ लोकेशन में जाके एक हम लोग ने उसका जो डेस्टिनेशन ट्रिप के लिए जो है हम लोग ने एक चीज़ बुक की थी वो हम लोग ने फाइनली मतलब कैंसिल हो गया, और उसके लिए हम लोग ने उसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लिया है। सो आज हम लोग आए हैं ऐसी जगह पे। आपके कुछ बैकग्राउंड से यहाँ से पता चलेगा कि मैं कहाँ आया हूँ बेसिकली। सो यहाँ पे आने का मोटो एक ही है कि जो चीज़ हम लोग ने एक उसके लिए सरप्राइज़ बाइक मतलब जो फ्यूचर बाइक है उसकी जो उसने बुक की है वो अभी मैं आपको गाड़ी का नाम और बाकी कुछ चीज़ें डिटेल रिवील नहीं करूँगा। उसके लिए हम लोग थोड़े दिन मतलब जब हम लोग गाड़ी का जब डिलीवरी रहेगा तब डिलीवरी के दिन आएंगे तब हम लोग उसके लिए एक स्पेशल उसका फुल फ्लेज ब्लॉग बनाएंगे तभी आके। बट आज के लिए तो एटलीस्ट गाड़ी का जो एक न्यू बुक बाइक जो है वो ही कैप्शन आप देखोगे, तो कैप्शन में भी आपको वही चीज़ देखेगा तो वही रहेगा, तो वो एक बार हम लोग बुक करेंगे। तो नॉर्मल में जो पेपर वर्क एक्टिविटी है वो हम लोग का आज हो गया फॉर्मली। डीपीपी के लिए हम लोग आएंगे 3-4 दिन में और नेक्स्ट वीकेंड तक मोस्ट प्रॉब्ली गाड़ी हम लोग का डिलीवर हो जाएगा, ताकि मतलब होली के पहले हमारे पास गाड़ी रहेगा। तो जो हम लोग का 2 महीने बाद का जो सरप्राइज डेस्टिनेशन प्लान है उसके लिए हम लोग अभी आज से मेंटली प्रिपेयर है इसके लिए। सो गाइज अभी मिलते हैं बिकॉज काफ़ी सारी एक्टिविटी आज शेड्यूल किए हैं। इसके बाद अभी निकलना भी है हम लोग को, कुर्ला जाना है, थोड़ा हमारा काम है जो उसके लिए भी अलग से मैं बताऊँगा क्या चीज़ एक्टिविटी रहेगी वो, जिसके लिए ये सरप्राइज़ और हम लोग ने जो ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की है। द पर्सन बिहाइंड द कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ, सो ही इज़ द पर्सन बेसिकली। सो ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटी अभी हो गई है, अभी जा रहे हैं हम लोग एक अलग डेस्टिनेशन पे जो सरप्राइज डेस्टिनेशन है बेसिकली, और उसमें थोड़ा बहुत मेरे बुलेट के पर्पज़ से ही मैं जा रहा हूँ, तो वो आपको जहाँ पर पहुँचूँगा तब आपको मैं मिलता हूँ और तभी अपन डिस्कस करते हैं कि यार बाय बाय। अभी हम लोग आए हैं निखिल की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हकलबेरी में। सो फाइनली अपना अभी सेलिब्रेशन मोड चालू है। पशु राजा का फोटो चाहिए। अपना अभी जो मुंह मीठा करने की जो रस्म थी वो चीज लेते हैं जब हम लोग, तब अपने को नॉर्मली मुंह मीठा किया जाता है, तो निखिल ने मुझे पेस्ट्री खिला के मुँह मीठा किया है शगुन।
सो अभी हम लोग का ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी हैज बीन डन। जो मुझे कुर्ला जाना था तो मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मैंने वो प्लान शेड्यूल किया है, सो इट विल बी पोस्टपोन फॉर माय नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग। सो अभी अपन डायरेक्टली घर पे मिलते हैं, और आज का डे जो था पूरा ऑलरेडी सब ऑक्यूपाई हो गया, सारी चीज़ें हो जो प्लान की थी उस हिसाब से हो गई, सिर्फ कुर्ला को जो मैंने शेड्यूल किया था वो कैंसिल हो गया। सो वो मैं डायरेक्टली अभी नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान शेड्यूल करूँगा। सो तब तक के लिए गाइज अपन मिलते रहेंगे, और वीडियो का भी एंड नहीं करूँगा, वीडियो को घर पे जाके एंड करता हूँ। बाय बाय। सो गाइज यू कैन सी अपना कैमरा सेट है सनसेट के लिए, बट सूरज जो टाइम लैप्स लेना था उतना एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए टाइम लैप्स ले लिया, बट उसके बाद जो सूर्योदय है वो बिल्डिंग के पीछे छुप गए है। सो इसके लिए बाकी अभी कवर नहीं होगा, बट मैंने कुछ 2-3 मिनट का शूट लिया हुआ है तो वो मैं ब्लॉग के इसमें डाल दूंगा। सो यस फाइनली गाइज अपना अभी टाइम लैप्स हो गया है, सो टाइम लैप्स मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, आप टाइम लैप्स एक बार देख लेना। और आई थिंक सो आज का जो ब्लॉग था वो एंड हो गया है, बिकॉज आज जहाँ पे हम लोग गए थे तो जो बेसिकली सरप्राइज़ है गाड़ी का जो मैं वो रिवील नहीं करूँगा, बिकॉज वो बुकिंग हो गया है, जब डिलीवरी होगा तभी हम लोग मैं स्पेसिफिकली उसके लिए ब्लॉग बना दूंगा। सो आज जो चीज़ें मोटी मोटी कवर करनी थी वो कवर हो गई है इसमें। तो अभी अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यस मैंने जो सवाल आपको पूछा था ब्लॉग के स्टार्ट में, व्हाट इज़ द मीन बाय हैप्पीनेस, सो हैप्पीनेस का मीनिंग जो है आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए कि आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या होता है। और स्वस्तिक ने तो आंसर दिया नहीं हैप्पीनेस का, तो आप बताइए हैप्पीनेस मीन्स व्हाट, मैं कमेंट में आपका आंसर एक्सपेक्ट करूँगा। सो टिल देन गाइस लव यू ऑल, मिलते हैं अपन ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।